तो देखो, जैसे कि आपको पता है कि मैं आजकल वाइट प्लांटर ही ला रही हूँ, और मैंने आपसे एक बार शेयर भी किया था कि मैंने वाइट, हमारे मेला लगा था वहाँ से ये मैंने वाइट प्लांटर परचेज़ किए थे। ये देखो कितने अच्छे हैं और कितने वाइट हैं, ये देखो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मैंने परचेज़ किए। अब सब क्या बोलते हैं, सेम आजकल मैं कोशिश भी करती हूँ कि ऑल ओवर सब सेम है, तो ऐसे मैंने नौ खरीदे थे। नौ में से मैं आज फर्स्ट टाइम ये दो यूज़ में ले रही हूँ। मुझे कितने के पड़े थे, 120 ईच का पड़ा था। ये देखो, ये काफ़ी बड़ा है, ये देखो कितना बड़ा साइज है, ये देखो। और ये 120 ईच का मुझे पड़ा था। इंचेस में अगर जाएं तो ये वाइड तो बहुत है, और वाइड मतलब ये ऐसा चौड़ा बहुत है, और इंचेस में जाएं ना तो ये कम से कम 10 इंचेस का तो होगा आराम से। 10 इंचेस का ये प्लांट है, 120 का पड़ा। ठीक है, अब इसमें हम लगा देते हैं ये। ऐसे मैंने बहुत सारे और छोटे सर्कुलेंट के लिए परचेज भी किए, बहुत सारे। ठीक है, जैसे जैसे वीडियोज़ बनाती रहूँगी आपको बताती जाऊँगी। तो जब हम ज़्यादा खरीदते हैं ना तो रेट भी हमें सही देते हैं। काफ़ी अच्छा थिक है, मोटा है, और सारे ही जितने भी मैंने परचेज़ किए सारे वाइट परचेज़ किए। अगेन इनके, इनमें हम होल नहीं कर सकते, काफ़ी अच्छा होल होता है, और इसमें हमने लगा दिए इस तरीके से। ये क्या बोलते हैं, जो टूटे हुए गमले होते हैं उनका पार्ट क्यों लगाया जाता है आपको अच्छे से पता है, जिसे ड्रेनेज अच्छा बना रहता है। पॉटिंग मिक्स वही है, क्या बोलते हैं, जो मैं बना के रखती हूँ, फिर भी आपके साथ एक बार इसका रेशियो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं भूल भी जाती हूँ कभी कभी, रेशियो इधर उधर भी रहता है। फिर भी एक नॉर्मल पॉटिंग मिक्स का रेशियो क्या होता है वो आपको बता देती हूँ, जो इसमें होगा है कुछ एक परसेंटेज ऊपर नीचे होगा है, तो मतलब उसको ज़्यादा वो आप मत करना कि इसमें तो इतना था, क्योंकि मैं भूल भी जाती हूँ एग्जैक्ट परसेंटेज कि कितना कितना डाला था, क्योंकि रेशियो में हम कभी कभी रिवर्सन कम डाल देते हैं, कभी गार्डन सॉइल, या कभी हम फर्टिलाइज़र दूसरा डाल देते हैं, तो वो याद नहीं रहता है। काफ़ी टाइम हो गया ना उसको बने, इसलिए। या आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाके देख सकते हो कि इसमें मैंने क्या क्या रेशो रखा है, आप ये भी कर सकते हो। बाकी एक नॉर्मल अगर कोई नया व्यूअर देखता है तो उसको मैं बता दूँ इसमें क्या हो सकता है। देखो, इसमें मेरा है 30% रिवर्स एंड 30% गार्डन सॉइल, ठीक है, 60% हो गया। इसके बाद में हमारा 20% इसमें वर्मी कंपोस्ट है, 20% इसमें काउडंग केक है। ठीक है, अगर हम 20% काउडंग केक ना ले, 15% लेना, बाकी इसमें है हमारा क्या बोलते हैं, नीम खली क्यों डाली जाती है, जिससे हमारे पौधों को फंगस ना लगे। ठीक है, और आपके पास नीम खली नहीं हो ना तो आप क्या कर सकते हो, हल्दी पाउडर भी डाल सकते हो। ठीक है, इस पूरे टब में, ये जो पूरा टब है ना, आप इसमें आधी कटोरी भर के हल्दी पाउडर डाल सकते हो, या एक मुट्ठी भर के हल्दी पाउडर डाल दो, तो वो भी फंगीसाइड का काम करता है। मैं नीम खली की 2-3 पैकेट ले आई थी ना, तो आजकल वही यूज़ में ले रही हूँ। उससे क्या होता है, हमारे पौधों को फंगस नहीं लगती। काउडंग केक बहुत पुराना होना चाहिए, बहुत पुराना इन द सेंस कम से कम वो 2 साल पुराना तो होना ही चाहिए। फ्रेश काउडंग केक आपको यूज़ में नहीं लेना है। अब देखो, ये ख़त्म हो गया ना, तो आज मेरी छुट्टी है, संडे है ना, तो आज मैं क्या करूँगी, इसको वापस इसका पॉटिंग मिक्स तैयार कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं पॉटिंग मिक्स तैयार करके रखती हूँ ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती प्लांट्स लगाने में। और आपको ये दिख रहा है ना, ये है आलू के छिलके। किचन वेस्ट भी धीरे धीरे डालती रहती हूँ, जैसे जैसे निकलता है वैसे वैसे मैं किचन वेस्ट भी ला के डालती रहती हूँ, तो वो भी मेरा चलता रहता है। ये सारे आलू के छिलके हैं इसमें, और ऐसा नहीं कि मैं वेट करती हूँ वो कंपोस्ट बनेगा, ये होगा वो होगा। 2 दिन का हो गया, उसको धूप में अच्छे से रख के सुखा लिया, सूखने के बाद उसको ला के डाल देते हैं। चलो ठीक है, अब आपको बताते हैं इसमें क्या हम लगाएंगे। तो देखो, सारा सामान लेके बैठ गए, ट्रे भी लिया है, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो ट्रे लिया है। और ये हमारे प्लांटर हो गए हैं। अब मैं क्या लगा रही हूँ आपको दिखाती हूँ, इस वाले ट्रे में रखती हूँ यार, क्योंकि है ना फिर गीला वीला हो जाता है तो भी दिक्कत होती है, मिट्टी रहती है। अभी मैंने साफ़ सफाई कर दी है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके साफ़ सफाई वगैरह कर ली थी। ठीक है, ये यहाँ रखती हूँ। ठीक है, ये स्नेक प्लांट मुझे इसमें लगाने हैं। थोड़ा सा कुछ मून चेंज हुआ ना, वो भी अभी आपको बताऊँगी, थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है, चलो आपके साथ में शेयर करते हैं। ठीक है, मैं सोच रही हूँ क्यों ना ये वाले, ये देखो ये है ना, ये भी इसमें लगा दूँ। ये देखो ऐसे, ये देखो रूट रॉट हो रहा है, क्या ये होगा, हाँ ये देखो इसकी जड़ बाहर ही रहे, अभी कितना सर्वाइव करेगा। छोटा सा प्लांटर है, शैलो 4 इंचेस का, इसमें कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये देखो सिरेमिक, अगर ये सिरेमिक पॉट नहीं होता, ठीक है, और सिरेमिक पॉट बहुत भारी होता है ना, इसलिए इसने स्टैंड कर लिया। अगर यही प्लास्टिक का पॉट होता तो ये इसको होल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि स्नेक प्लांट काफ़ी हैवी होता है। इसकी हाइट देखो कितने अच्छे से जा रही है ऐसे। ठीक है, एक और है मेरे पास में, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसको अभी निकाल लूँ। होगा क्या, आप भी सोच रहे होगे कि मैडम क्यों निकालना है। निकालने का रीज़न ये है कि मैंने इसको अभी नहीं निकाला ना, तो ये पूरा है ना इसके पप से के थ्रू मल्टीप्लाई होता रहेगा अंदर। ये देखो, ये एक मैंने लगाया था, ये
पता नहीं यार, आई डोंट नो कौन सा लगाया था, एक लगाया था, एक के साथ ही दूसरा भी ग्रो कर गया। ये पता है ऐसे नीचे से ऐसे रूट के थ्रू ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल जाता है और ग्रो कर जाता है, इसके पप्स निकलते हैं। तो ये अगर ये पूरा भर गया ना तो मुझे सिरेमिक पॉट मेरा तोड़ के ही निकलेगा। अभी तो फिर भी ये निकल जाएगा मगर बाद में तो ये मेरा इसको तोड़ना ही पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसको भी अभी निकाल लिया जाए, टाइम है। सिरेमिक पॉट का नुकसान क्यों करें यार। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 50-50 रुपीज़ की भी उस समय लाई होंगी, ठीक है, तो ये 100 रुपीज़ के नुकसान हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ इसको भी निकाल लूँ और जो मैंने पानी में ग्रो करे हैं वो भी निकाल के लगा लेते हैं। काफ़ी वाइड है, अच्छे चल जाएंगे। तो कंफर्म अब करते हैं। पहले तो मैं डाउटफुल हो रही थी निकालूँ ना निकालूँ, अब तो कंफर्म निकाल देती हूँ यार, नहीं तो मेरे सिरेमिक पॉट का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी चल गए, काफ़ी अच्छा ग्रो कर गए, इसमें छोटे छोटे से पब्स लगाए थे, कितने बड़े हो गए आज ये। ठीक है, प्लांट्स को देखो सुबह इतनी, ये इंडोर प्लांट है, इतनी धूप मिलती है ना, काफ़ी रहती है इन पौधों की धूप उसके लिए। ठीक है, जैसे कि आप मेरे से पूछ रहे थे ना शेड लगा दिया धूप नहीं आती, देखो सक्कुलेंट को अच्छे से धूप आ रही है, दिख गया आपको, इधर अच्छे से धूप आ रही है और वहाँ भी अच्छे से धूप आ रही है। सब पौधों को लगती है यार जितनी धूप चाहिए होती है, दिन भर की गर्मी में अगर ये रहेंगे जैसे कि फोर्थ फ्लोर में सब जल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, इसलिए इतना बहुत काफ़ी है। शेड लगाने से मुझे नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा हुआ, दिन में आके मैं वीडियोज़ भी बना पाती हूँ यार। ठीक है, ये तो पानी का इसमें रख दिया, अब मैं सोच रही हूँ इसमें खाली कर देते हैं। ठीक है, स्नेक प्लांट छोटे वाले भी है मेरे पास में, उसको भी लगाऊंगी। ये देखो ये वाले, ये मैंने लीव के थ्रू ग्रो किए थे, इसका भी कभी वीडियो बनाएंगे आपके साथ में। फिर मैं क्या करूंगी, देखो कितना क्यूट लगेगा, दो ये बड़े बड़े बीच में छोटा वाला रख देंगे जिसकी हाइट बड़ी नहीं होती तो अच्छा लगेगा। ठीक है, स्नेक प्लांट आप जब भी लगाओ ना थोड़े वाइड में लगाओ, वाइड में लगाओगे तो होगा क्या, अरे तभी मुश्किल करेगा, वाइड में लगाओगे तो होगा क्या, पूरे एरिया को कवर कर लेंगे, बहुत ही प्यारा लगेंगे। इसमें लगा दिया, 3-4 साल तक मुझे लगाने की कोई टेंशन नहीं है। अब मैं एक काम कर रही हूँ, अभी मोबाइल रख रही हूँ और इससे थोड़ी सी कुश्ती लड़नी पड़ेगी, तब जाके ही निकलेगा। ये तो निकल जाएगा, दिख रहा है एक ही है, मगर इससे कुश्ती लड़नी पड़ेगी। चलो ठीक है, कुश्ती लड़ के फिर मिलते हैं, क्योंकि मेरे पास है ना यहाँ वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, स्टैंड नहीं है मोबाइल का। ठीक है, मोबाइल रख देते हैं, फिर इसको निकालते हैं। खींचा नहीं निकला। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसके मिट्टी को थोड़ा बहुत लूज़ करने के लिए क्या कर रही हूँ, यहाँ ये जो नीचे होल है ना, इस होल में मैं ये लोहे के एंगल घुसा के इस मिट्टी को लूज़ करूँगी, तब जाके वो निकलेगा, बाकी ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये वाला काम करते हैं, ये वाला तरीका भी सही है। यहाँ से इसकी मिट्टी को मैं पुश करूँगी ना तो ये आगे की तरफ निकल जाएगा। सिरेमिक पॉट ज़्यादा वो नहीं कर सकते यार, टूट जाएगा इसीलिए। तो देखो, एक तो मेरा सक्सेसफुली निकल गया विदाउट माई प्लांटर को तोड़े हुए। ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं और देखो कितने अच्छे से, ये देखो मैं आपको बता रही थी ना हॉरिजॉन्टल तरीके से दोनों एक दूसरे को शायद ऐसे, चलो ठीक है बाद में देखेंगे, ये वाला काम हो गया। स्नेक प्लांट है ना बहुत आजकल लेना, स्नेक प्लांट है ना बहुत महंगे मिलने लगा है, पहले तो ऐसे ही मिल जाते थे मतलब बहुत ही सस्ती रेट पे, अब तो इतने महंगे मिलने लगा है। वो जो दीपक था ना उसके होल को मैंने दीपक से कवर कर रखा था। ठीक है, बहुत महंगे मिलते हैं, आप ऐसे कटिंग के थ्रू लीफ के थ्रू कैसे भी ग्रो करो बहुत ईजिली ग्रो जाता है, अभी आपको सब बताऊंगी मैं, पहले ये भी निकाल लेते हैं। देखो मेरी वीडियोज़ लंबी रहती है क्योंकि मैं हर चीज़ अपने साथ में शेयर करना पसंद करती हूँ, ऐसे बीच बीच में रोक रोक के नहीं यार, ये तो पूरी चीज़ नहीं सिखाई तो क्या ही मतलब रहा, इसलिए मैं आपको हर चीज़ बता रही। देखो मैंने इसमें दोनों में ही उल्टा दीपक रखा था, ये देखो दिख रहा है आपको, ऐसे ये ऐसे उल्टा दीपक रखा हुआ था। अब इसकी मिट्टी को मैं निकाल रही हूँ क्योंकि इसकी मिट्टी को अच्छे से धूप दे के और मतलब सही करनी है, ये देखो, इसलिए मैं इसे सारी मिट्टी निकाल के प्लांटर को थोड़े से दिन जब तक कुछ ना लगे ऐसे खाली करके रख देंगे। तो इसके होल में आपको कुछ ना कुछ रखना ज़रूरी होता है, दीपक को ऐसे नहीं रखना था, ऐसे रखना था। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, क्योंकि हमारा ड्रेनेज होल बंद नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि उसमें से पानी ईजिली निकल जाए। मैं आपको दिखाती हूँ ये वाले, देखो ये तो मैंने निकाल लिए दोनों, ठीक है इनके दिखाती हूँ मैंने जो, अरे फंस गई है, बड़े हो गए ना अब इसमें भी फंस गए हैं भाई, निकल जाओ। चलो ठीक है, मोबाइल रखना पड़ेगा। तो ये देखो एक एक करके निकालना पड़ा ना तब जाके निकला, ये देखो इसमें कितनी प्यारी रूट्स आई, देखा ये कटिंग के थ्रू भी इजीली ग्रो जाता है, इसको आप पानी में भी ग्रो करोगे ना, ये देखो आपको ऐसे दिखा रही हूँ, पानी में भी ग्रो करोगे ना तो भी लग जाएगा, मिट्टी में भी आधी ऐसी पत्ती लगाओगे तो भी ग्रो जाएगा। ठीक है, अब इसका पानी बार बार चेंज भी करती रहती हूँ मैं हर चौथे दिन में, नहीं तो क्या मच्छर वच्छर हो जाते हैं। और ये देखो कितना प्यारा, ये देखो रूट्स देखो, और बहुत टाइम हो गया यार, ये 1.5-2 महीने से इसी में थे, मतलब अब लगा लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। देखो इसमें नए नए पप्स भी आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको कितने प्यारे, दूसरा भी देखता है, ये देखो इसमें एक, इसमें भी पप आ गया है। ठीक है, एक पत्ती ये रही मेरी, वो भी ग्रो कर गई है, और इधर देखो तो स्नेक प्लांट क्या इजीली ग्रो कर जाते हैं। इसका देखते हैं क्या है, इसमें भी नए नए शूट्स आ गए, ये देखो दिख रहा है आपको,
ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, ठीक है अब इन सबको लगाते हैं। तो स्नेक प्लांट आप कहीं से एक लीव भी आपको मिल जाए ना, ये देखो छोटा सा पब, तो इजीली ग्रो हो जाता है, कहीं से भी आपको मिल जाए। और उसमें बहुत सारी वैरायटी भी आती है, जो भी वैरायटी आप उसको लीव के थ्रू, कटिंग के थ्रू और प्लांट ला के पानी में ग्रो करके, मिट्टी में ग्रो करके कैसे भी लगा सकते हो। इन सबके वीडियोज़ है, आप जाके देखना मेरे चैनल पर। कितने सारे मेरे पास प्लांट्स होगा आपको दिख रहे हैं। और ये नासा के द्वारा अप्रूवल प्लांट है, मतलब इसमें बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, इसीलिए ऑफिसेज वगैरह में आप इन सब जगह आप इसको देखते हो कि घर में हर जगह ये पौधे लगाए जाते हैं और आजकल बहुत कॉस्टली मिलते हैं। तो आप इस तरीके से आप इसे लगा लो, ये कॉस्टली भी नहीं पड़ेंगे, ठीक है। बस अब मैं ना वीडियो को रोक के ये सारे ही इसमें लगा रही हूँ, ठीक है। पहले तो मैं क्या करूँगी, जो बड़े वाले हैं ना ये बीच में लगा दूँगी इस तरीके से, देखो ऐसे, ये बड़े वाले बीच में लगा के फिर ये छोटे छोटे वाले हैं ना ये साइड में लगा दूंगी। तो इस तरीके से मेरा प्लांट जल्दी से बुशी भी हो जाएगा, एकदम घना घना भी हो जाएगा, ठीक है। ये काम कर लेते हैं। पत्तियों का क्या है, पत्तियों बस ऐसे ऐसे देखो ऐसे किया और ऐसे पत्तियां लगा दी, बस इस तरीके से, ठीक है। अब वो ये काम मैं वीडियो बंद करके कर सकती हूँ, ठीक है, उससे पहले नहीं कर सकती। तो चलो ठीक है, आई रे मिलते हैं ये पूरे सारे प्लांट्स इन दोनों पौधों में लगाने के बाद में। तो देखो एक तो मेरा हो चुका है रेडी, ठीक है, कचरा देखो वापस हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसको मैं अच्छे से दबा रही हूँ, एक बार ये हल्का गिर रहा है ना, वापस अच्छे से दबा देती हूँ। मिट्टी को अच्छे से दबाना है, ये तो क्या आपके इधर स्टेबल नहीं रहेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है, अच्छे से दबा के फिर ही लगाना है। तो बस इसको मैंने यहाँ रख दिया, देखो इस तरीके से, थोड़ा सा दूर करके दिखाती हूँ आपको कैसे रखा। इन्हें मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ बस स्नेक प्लांट क्या, अगर मैंने तो ये देखा कि अगर आप तेज कड़ाके की धूप में भी रखोगे तो भी अच्छे से ग्रो करेंगे, अच्छा कहीं वेंटिलेशन होगा तो भी अच्छे से ग्रो करेंगे। इनके लिए कोई भी जगह परफेक्ट होती है। मेरे बहुत सारे स्नेक प्लांट बाहर एकदम वहाँ बाहर कड़ाके की धूप में भी है तो भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे खास लगा नहीं कि इनकी शाइन जाती है, शाइन खत्म हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कहीं भी रखो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। आउटडोर भी रखो, आपके लिए बेस्ट ऑक्सीजन के प्लांट हैं ये वाले, ठीक है। इंडोर भी रखो, वो तो भी ऑक्सीजन के प्लांट हैं, मतलब कहीं भी रखो आप, ये सबसे अच्छे रहते हैं, ठीक है, थीके? और आपकी हवा को एकदम शुद्ध करके रखते हैं और सस्ते मिल जाते हैं। अगर आपको नर्सरी से नहीं खरीदने हैं तो इस तरीके से कहीं भी इजिली मिल जाती है इसकी कटिंग्स वगैरह। इवन तो एक लीव भी मिली तो उससे भी आप मल्टीप्लाई करके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से आप बुशी भी कर सकते हो। बुशी करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि पहले मेरे प्लांटर में थे उसको निकाल लिया, बाकी इसकी कटिंग्स वगैरह लगा ली तो ये इतने अच्छे से बुशी हो गए। सिर्फ एक इस प्लांटर में लगा होता तो इतना लुक नहीं आता जितना कि इतने सारों का आ रहा है, ठीक है। अब अच्छे हम देते हैं पानी, और पानी जैसे ये यहाँ उसमें है कि इसमें मतलब शेड में है, आपको पता है ना कि ये देखो एक बार दिखाई देती हूँ, ये देखो इस तरीके से ऊपर शेड है और नीचे ये यहाँ है, ठीक है। तो इसको मैं दो दिन में एक बार पानी दूंगी, और जो बाहर धूप में मेरे होते हैं ना उनको मैं रोज पानी देती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल सूख जाते हैं। यहाँ ये शेड में रहते हैं तो दो या तीन दिन में जब इसकी मिट्टी सूख जाएगी ना तभी मैं पानी दूंगी। देखो मिट्टी कितनी पोरस थी, एकदम पानी डालो अंदर से छन करके चली गई, ठीक है। अब इसमें भी देते हैं। अब मैंने कहाँ रखना है ये आपको बता दिया, ठीक है। अब इसको आपको कैसा मतलब कैसे ग्रो करना है, प्रोपोगेशन कैसे करनी है, वो मैंने आपको बता दिया। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि इसको फर्टिलाइज़र कैसा चाहिए। इसको कोई नीड नहीं है ज़्यादा कुछ खास फर्टिलाइज़र के, ठीक है। जैसे कि अभी पानी में भी कितने अच्छे से ग्रो कर रहे थे, पानी में कौन सा फर्टिलाइज़र जा रहा है यार इनके, कोई नहीं। एक बार पॉटिंग मिक्स इतना अच्छा बना लोगे ना तो आपके पास अगर टाइम नहीं हो, जैसे आप ऑफिस वगैरह में काम करते हो या आपके पास टाइम नहीं हो ना, तो ये बेस्ट प्लांट है ग्रो करने के लिए। कुछ नहीं मांगते हैं, ना ज़्यादा पानी मांगते हैं, ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र मांगते हैं। जब कभी आपकी इच्छा हो कभी कभी तो काउडंग केक का फर्टिलाइज़र दे सकते हो, और काउडंग केक का फर्टिलाइज़र नहीं देना हो तो आप इसको वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हो, वो भी साल में एक बार भी दोगे ना तो भी चलेगा। बस एक बार का पॉटिंग मिक्स थोड़ा सा सही बना लो, उसमें काउडंग केक डाल दोगे ना तो आपको फिर तो कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। साल में एक बार भी कोई फर्टिलाइज़र दोगे वो उसी में ही अच्छे से ग्रो करते रहेंगे। और ये देखो इसमें से पानी छन के नीचे आ गया, निकल गया ना, इस तरीके से पानी बाहर निकल जाना चाहिए बस, ठीक है। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स आपको पता है कि क्या करना है। ओके बाय, कल मिलते हैं कई दूसरी वीडियो के साथ में। कोशिश करूँगी वो वाला स्नेक प्लांट है ना देखो वो भी लगा दूँगी, नहीं यार बाद में लगाएंगे, दिखाया जाएगा कल क्या करेंगे, वो कल की देखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ओके बाय फ्रेंड्स।